जवेरिया तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? वो मामू की शादी में गए हुए थे। मामू की शादी में गई हुई थी तो इसका मतलब ये कि तुम होमवर्क नहीं करोगी है? कल लाजमी अपना होमवर्क करके आना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पक्के टीचर। जाओ सीट पर बैठो जाके। हाँ तो साहिर, 4 साल से लगातार फेल हो रहे हो, तुम क्यों पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते हो? और तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? जवाब तो क्यों नहीं किया? जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? बोलो, ऐसे क्या देख रहे हो? आंखें नीचे करो। मैं कुछ पूछ रही हूं साहिर, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम? साहिर, साहिर, साहिर आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। पढ़ने लिखने का भी उसे कोई शौक नहीं था। वो हर जज्बे का इजहार बहुत ही शिद्दत से किया करता था, खासकर गुस्से का। जब उसको गुस्सा आता तो वो अपने आपे से ही बाहर हो जाता। गर्ज ये कि उसका शुमार उन औलादों में किया जा सकता है कि जिनका होना माँ बाप के लिए ना होने से ज्यादा तकलीफ देता। पढ़ेगा नहीं तो क्या डाके डालेगा तू? क्या कर रहे हैं आप? और कितना मारेंगे उसे? मैं आज छोड़ूंगा नहीं इसे, समझा? तू अच्छा था कि तू पैदा ही नहीं होता। तू निकल जा मेरे घर से, निकल मेरे घर से। वो बच्चा है, क्या कर रहे हैं आप ये? तू बीच में मत बोल, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जब इसने मेरी बात माननी नहीं है जो मर्जी आ करे, जा दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ। क्या हो गया आपको? वो बच्चा है, कहाँ जाएगा? अरे बच्चा है तो बच्चों जैसी हरकतें करे, कभी किसी का सर फाड़ के आता है और कभी किसी का हाथ तोड़ के आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उसको जान से मार दें? क्या चाह रहे हैं आप? बच्चा है वो हमारा। साहिर, साहिर, क्या हुआ बेटा? तेरी ये हालत किसने ऐसी बनाई? और क्या आज फिर किसी से लड़कर आया? अब्बा ने घर से निकाल दिया। क्यों? अब क्या कर दिया तूने? मिस का सर फाड़ दिया मैंने। वो मुझे मारती थी। ओ मेरे खुदा, कब सुधरेगा तू? हैं? अच्छा अच्छा, चल शाबर मेरे साथ चल, मैं तेरे अब्बा से बात करता हूँ। नहीं मामू, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब्बा, अब्बा मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे मारता है। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं करते। माँ बाप तो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा है? और वो तो तुझे तेरी भलाई के लिए समझाते हैं और तू है हर किसी को काटने को दौड़ता है। शावर जिद नहीं करते, साथ चल मेरे। नहीं मामू, अगर आप मुझे जबरदस्ती वाले के जाएंगे तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा। देख साहिल, अब तू मेरे हाथों से पिटेगा। मार लो, आप भी मुझे मार लो, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुझे यूं ही समझाता रहूंगा हैं? और कब तक तू यूं मेरे सामने गर्दन झुकाए खड़ा रहेगा? देख बेटा साहिब, अब तू बच्चा नहीं रहा,
तू बड़ा हो गया है, चलो चलो अभी तो मैं जिंदा हूँ जो तुझे किसी ना किसी तरह से बचा लेता हूँ, और कल को अगर मैं नहीं रहा तो क्या करेगा तू है? क्या करेगा? इस तरह तो सारे दुश्मन बन जाएंगे यहाँ तेरे, अबे जान से मार देंगे तुझे। तू तेरी अकल में नहीं आती ये बात, और नहीं चुपचाप तू क्यों खड़ा है? अबे मुंह से तो कुछ बोल। देख बेटा साहिद, आज तू मुझसे एक वादा कर कि आज के बाद तू इस तरह से अब किसी को नहीं मारेगा। अबे अबे कुछ कह रहे हो तुझसे, सुनना या नहीं? अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बात का जवाब दे मेरी। समझ में नहीं आता इस लड़के का, क्या करूं इसका मैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा का? कौन सा काम भैया? कौन सा काम बताऊं तुम्हारे को? अभी पिछले हफ्ते पर्ची भिजवाया था तुम्हारे को, अपने को कट चाहिए कट, समझा या फिर समझाऊं? समझ आ गया, लेकिन भाई वो क्या बे, जल्दी कर, टाइम नहीं है अपने पास। वो पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? अबे मेरा मीटर शार्ट नहीं कर, पिछले हफ्ते से तू गोली दे रहे है। पैसे देते या इतनी टपका दूं अभी तक? भाई जब पैसे नहीं है मेरे पास तो कहां से लाऊं? मैं आपको ज्यादा साड़ा समझते, जल्दी पैसे दे वरना। वरना क्या 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 कर लेगा तू? जान से मार देगा ना, और क्या करेगा? नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, जो कर रहे कर ले तू। चलो अभी तो मैं जिंदा हूँ जो तुझे किसी ना किसी तरह से बचा लेता हूँ मैं, और कल को अगर मैं नहीं रहा तो क्या करेगा? चलो अभी तो मैं जिंदा हूँ है, क्या करेगा? इस तरह तो सारे दुश्मन बन जाएंगे यहाँ तेरे, अबे जान से मार देंगे तुझे, तो क्या करेगा तू है? क्या करेगा? इस तरह तो सारे दुश्मन बन जाएंगे यहाँ तेरे, अबे जान से मार देंगे तुझे। की मौत ने साहिर पर बहुत गहरा असर डाला था। वो पहले ही अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था और अब वो जुनूनी होता चला गया।
चोरी चोरी करता है, चोरी करता है, चोरी करता है, आप करेगा चोरी है? अपनी उम्र देख और अपनी हरकतें देख। रुक जा, अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। चोरी करता है। छोड़ो इसे, क्या किया इसने, क्यों मारो इसे, क्या किया इसने, चोरी किया इसने, मेरी दुकान से ये भर लेके भागा, ये मारे नहीं तो क्या सर पे बैठा इसको। एक मिनट। हाँ बेटा, आपने चोरी की? अंकल कल से कुछ नहीं कहा था, वो धूल लग रही थी इसलिए एक फोन उठा लिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये नहीं कि इसके बन के पैसे दे दे, उल्टा सब मिलके इसको मार रहे, सब मिलके मार रहे हैं। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, चोरी की है इसने, लेक्चर दे रहे हैं आकर। कितने का बंद है? 24 रुपए का है। ये लो 30 रुपए, ले लो 30 रुपए, ये 6 रुपए ले ले सामने से दुकान से आके। आए बड़े इमायती बन के। हाँ बेटा, और कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ तुम चले जाना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जाए, आप लोग भी अपना काम करें, चले शाबाश। जाओ बेटा, जाओ। साहिर हर उस शख्स में खुद को देखता है जिसके लिए जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। मुझे नहीं चाहिए इसी बंद के लिए, तो तूने इतनी मार खाई है ना। तुझे एक बात बताऊं, आज तो तुझे उस शख्स ने बचा लिया, कल क्या करेगा है? क्या करेगा? रोटी के दो टुकड़ों के लिए रोज तुझे मार पड़ेगी। जिंदगी मौत से बदतर महीने गुजारी है। जब जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है ना, मौत उसे आसान आसान कर देती है। मौत उसे आसान कर देती है। थोड़ी सी तकलीफ होगी तुझे, थोड़ी सी तकलीफ। जिंदगी क्या जिंदगी आसान नहीं होती, बहुत उसे आसान कर देती। जहरी दबाव और सख्तरीन हालात ने साहिर को बिल्कुल बदल दिया, जिसका इल्म खुद साहिर को भी नहीं हुआ। साहिर दोहरी शख्सियत का मालिक बन गया। इस बीमारी को लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी के नाम से जानते हैं। साहिर पर जब दौरा पड़ता तो वह खूंखार दरिंदा बन जाता। गला घोंट के मारा है साहब। ये बच्चा सुबह से शाम तक यहाँ फिरता रहता है,
और आज ही सुबह मेरी दुकान से बन चुरा के भागा था। तुम्हारी दुकान से बन चुरा के भागा था? जी साहब। ये बन खा के तो नहीं मर गया? नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है साहब? होने को तो कुछ भी हो सकता है। खैर, सबसे पहले किसने देखा था लाश पे? यहाँ साहब मैंने देखा था। कितनी देर पहले? आधे घंटे। लाश को देख के भी लग रहा है कि मौत ज्यादा देर पहले हुई। एम्बुलेंस बुलवाओ और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। आप लोगों का हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों सर? क्यों सर? आप लोगों का बयान नोट कर रहा है, घबराए नहीं, सब ठीक है। ये देखो धरती के बोझ, नशा करके कचरे की तरह यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, मरते भी नहीं है सारे, मर जाए तो जान छोड़ जाए। हाँ जिंदा रहोगे, जिंदगी तुम्हें चलती रहेगी, रोज रोज के मरने से एक बार का मरना बेहतर है। थोड़ी सी तकलीफ हो गई, उसके बाद आराम आसान ना हो तो बहुत उसे आसान कर। हाँ मैं करता हूँ, तुम भी कोशिश करो तो जल्दी हो जाए। एक हफ्ते से क्या तुम लोग झक मार रहे हो? अभी उस बच्चे के कातिल का पता नहीं चला था कि एक मर्डर और हो गया। सर हम क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। सर वैसे भी हमारे पास कोई मैजिक बॉल तो है नहीं,
तो हम पता कर सके कातिल कौन है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? सर अभी तक नहीं आई, मुझे आज रात तक वो रिपोर्ट अपनी टेबल पे चाहिए। राइट सर। सामने से, मैं कहता हूँ हट सामने से। छोड़ मुझे, नहीं नहीं छोड़। बहुत ऊपर निकल जा रहा है, अभी बताऊंगा मैं तुझे क्या क्या किया इसने। पकड़ इसको, बताऊं तुझे क्या किया इसने, हैं? हालत देख अपनी हीरोइन सी, चल अपना काम कर, चल निकल। धक्का क्यों दे रहा है? बताऊं अभी तुझे धक्का क्यों दे रहा हूँ? मुझसे पूछेगा तू? मुझसे हालत देख अपनी हीरोइन सी, चल कट ले, तू तो इधर ही जाया कर दूंगा तुझे। चल मुझे बचा ले, बचा ले, बचा ले। बचाओ बचाओ बचाओ, ये मेरे पिछवाड़े में बचा, मेरे लिए मुझे बचा ले। वो लोग बोले मुझे मार देंगे, मुझे बचा ले, आप मुझे बचा ले। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए, खुदा के लिए मुझे बचा ले। ये लोग मुझे मार देंगे, बचा। हट सामने से, मैं कहता हूँ हट सामने से। छोड़ मुझे, नहीं नहीं छोड़। बहुत ऊपर निकल जा रहा है, अभी बताऊंगा मैं तुझे क्या क्या किया इसने। पकड़ इसको, बताऊं तुझे क्या किया इसने, हैं? हालत देख अपनी हीरोइन सी, चल अपना काम कर, चल निकल। धक्का क्यों दे रहा है? बताऊं अभी तुझे धक्का क्यों दे रहा हूँ? मुझसे पूछेगा तू? मुझसे हालत देख अपनी हीरोइन सी, चल कट ले, तू तो इधर ही जाया कर दूंगा तुझे। चल मुझे बचा ले, बचा ले, बचा ले। Yes, come in. सर एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है, और सर वो कह रही है सिर्फ आपसे ही बात करूंगी। ब्लाउज क्या सर? कितनी जोर से मारा है मुझे, सब चाले ना, सर दर्द हो रहा है।
पूरी दुनिया जालिमों से भरी है, मैं सबको मार दूंगा, मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। सर, 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 खुदा के लिए मुझे बचा ले सर, 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 वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, सर वो लोग मुझे जान से मार देंगे। आप घबराएं मत, यहाँ महफूज हैं, बैठे प्लीज, बैठे बैठे, पानी मंगवाओ आपके लिए। अब बताएं बात क्या है, कौन है जो आपकी जान का दुश्मन है? सर मैं नहीं जानती सर, सर उन लोगों ने मुझे सरगोधा से उठाया था, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मारना चाहते हैं। सर मैं कई दूरों से उनके साथ हूँ, कुछ लोग मुझे सरगोधा से यहाँ पड़े आए थे, उन्होंने मुझे अगवा करके रखा हुआ था। सर सर मुझे बहुत डर लग रहा है वहाँ पे सर, और सर सर वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए, सर वो लोग मुझे मार देंगे सर, और आपके कुछ पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, मुझे नादिर की कॉल आ रही है। हेलो जी नादिर, क्या कहाँ पर? ठीक है हम आते हैं। ओके ओके सर, वो नाले के पास एक और लाश है। सर सर वो लाश उनमें से ही एक थी। ये बात आप कैसे जानती हैं? सर मैं तो वहीं से आ रही हूँ, लेकिन मैंने नहीं मारा सर उसे, मैंने नहीं मारा। किसने मारा, आपने देखा उसे? सर सर उसे किसी आदमी ने मारा है, वो लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए थे, उस बेचारे ने तो मेरी जान बचाई है। आप जानती हैं कौन है वो? सर मैं नहीं जानती, वो बहुत अजीब सा था सर, मुझे तो लग रहा था कि पागल है या कोई नशे ही। नादिर क्या सर, इनको साथ लेके जाओ, इलाके में गश्त करो, शायद वो मिल गया। ओके सर, आ जाए खातून। वगैरह बताया आपको उसको कुछ? सर मुझे नहीं याद, बहुत अजीब सा बंदा था। काजू बताइएगा किस तरह? सर यहाँ से कहीं अंदर जाके था।
जो करना है कर लेना, वो ठीक है। बात सुन रहा हूँ, भूख तो नहीं लगी तुम्हें? काजल खाना मंगवाई के लिए खाना आ रहा है। भूख तो जिंदा लोगों को लगती है, वो लोग तो तुम्हारा मरे हुए थे, वो जिंदा जिंदा कहाँ थे? सब तुम आते सही है, सब तुम आते, जो करना है कर ले, कोई मसला नहीं। बात तो सुनो जरा, हट जाओ हट जाओ। उनकी जिंदगी तो बहुत से बदतर थी, मैंने उनको मार के उनके लिए आसानी कर दिया। अच्छा एक काम करते, हम सब लोग नीचे जा रहे हैं, तुम भी नीचे आ जाओ। चलो भाई नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, सारे लोग सब लोग नीचे आ जाओ। सही है, जा रहे हम लोग। आ जाओ भाई आप लोग, सब लोग नीचे आ जाओ, सब लोग नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हम लोग सब नीचे जा रहे हैं, तुम भी नीचे जाओ। इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। जब जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी, मौत उसे आसान कर देगी।